तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे आज के इस ब्लॉग में। आज का ये ब्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि भाई साहब आज हम आपको दिखाएंगे अपना घर, मैं किस कैसे हाल में रहता हूँ, किस घर में रहता हूँ और मैं कैसे YouTube वीडियो बनाता हूँ, ये सब मैं आपको आज बता दूंगा। तो आप अभी तक इस वीडियो से लगे रहिए, जुड़े रहिए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ले जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम मिलते हैं, अभी नहीं मिलेंगे, मतलब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ये तो बाद में बोलना था मुझे, लेकिन मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ। तो चलिए हम आपको अपना घर दिखा देते हैं, अपने घर का सैर करा देते हैं। तो इस ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे घर में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज रखी हुई है और आप देखेंगे तो वाह सुभान अल्लाह। आप लाइक तो जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है कि आप जरूर लाइक करेंगे। तो चलिए हम शुरू दिखाते हैं फ्रंट एरिया से। ये तो मैं अभी द्वार पे खड़ा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा उधर रोड की तरफ से। अबे यहाँ पर चड्डी कौन रख दिया है मेरा, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ रोड की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं कि खेत में मेरा एक, आपको पता ही होगा कि मैं अब मेरा घर खेत में ही है। तो खेत में एक थोड़ा सा मतलब कि छोटा सा रोड टाइप का है और वही रोड के किनारे पर मेरा घर है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे वाले कैमरे से। अच्छा, सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे आपको अपने इस रोड वाले सीन से दिखाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ये रोड जाता है मेरे गांव में सीधे और हम लोग का घर है खेत में। जैसा कि ये देख रहे हैं अगल बगल मेरे घर के खेत है और इधर गेहूं की खेती हुई है और ये मेरे द्वार पर एक खंभा लगा हुआ है जो कि हम बिजली कनेक्शन हमारे घर में देता है। और इधर देखते हैं हम पाले हुए हैं दो गाय, ये उसकी वो इसकी मम्मी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैं गाय पाला हुआ, बकरियाँ भी हैं, तो बकरियाँ अभी गई हैं चरने। तो ये देख सकते हैं मेरा घर है, यहाँ से मेरा शुरुआत होता है घर और यहाँ से लेते हुए वहाँ पर समाप्त तो हो जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं और यहाँ पर नल लगा हुआ है। चलिए मैं आपको अपने घर के अंदर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ। और ये देखिए बाइक है, ये मेरे छोटे भाई जो कि अपने पैसे से खरीदा हुआ है, फिलहाल चलाते तो सभी लोग हैं हमारे यहाँ, मैं भी चला लेता हूँ लेकिन उतना भी मैं चलाते यूज नहीं करता हूँ। और यहाँ पर देख रहे हैं ये एक तरह से मान लीजिए ये सरिया है, यानी कि तबेला एक तरह से माना जाता है, एक भाषा में कहा जाता है ना तबेला, वही है। इसमें बकरी या गाय बांधी जाती है और इसमें कभी कभी भूसा भी रखा जाता है, फिलहाल इसमें भूसा कम है तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए। और यहाँ पर देख रहे हैं मीटर लगा हुआ है, अभी तो मीटर चालू है, बत्ती गुल है शायद, नहीं बत्ती भी चालू है। और ये सब देख रहे हैं, ये सब जितना भी कनेक्शन हम किए हैं सब हम ही किए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है कनेक्शन करने के लिए। और यहाँ देख रहे हैं पावर बैंक अपना मैं लगाया हुआ हूँ। कभी कभी होता है ना कि लाइन नहीं रहती है, लाइट नहीं रहती है, बिजली नहीं रहती है, तो पावर बैंक से मैं अपना मोबाइल चार्ज करके आप लोगों के पास बढ़िया बढ़िया सा वीडियो बनाकर भेजता रहता हूँ। और रही बात इस समय की, तो इस समय हड़कंप हड़ताल मचाए हुए हैं बिजली विभाग वाले, इसलिए बिजली नहीं आ रही थी, अभी कुछ देर पहले ही आई थी, इसलिए सोचा कि सारे घर में उजाला करके तब मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग वीडियो, ये मक्खी कहाँ से आ गई, ये ब्लॉगिंग वीडियो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो चलिए आगे दिखाता हूँ, पहले तो घुसते हैं, प्रवेश करते हैं अपने इस प्यारे से गरीब खाने में। तो अभी तक सब्सक्राइब तो कर दिए होंगे मुझे लगता है, चलिए आगे दिखाते हैं और हम प्रवेश करते हैं। इस कैमरे से अच्छा नहीं लग रहा है, हम आपको पीछे वाले कैमरे से दिखा देते हैं। चलिए हम आपको अपने घर के अंदर का चीज़ दिखाते हैं और काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ है, पहले बाहर का देख लीजिए कुछ इस तरीके का दिखता है। और रही बात वीडियो बनाने की, कि मैं कभी कभी वीडियो देख लीजिए यहाँ पर बनाता हूँ, ये कुर्सी है, कुर्सी लगा कर और स्टैंड खड़ा करके मैं यहीं पर बना लेता हूँ, यही मेरा बैकग्राउंड रहता है। और ये शीशा भी आता है तो शीशा मतलब कि इसमें अपने वीडियो में नहीं आने देता हूँ। और देख लीजिए मैं अभी भी इस शीशे में देख लीजिए मोबाइल से ही शूट करता हूँ, भाई साहब मेरे साथ मेरे पास कैमरा है ही नहीं, बस मोबाइल के ही कैमरे से काम चलाता रहता हूँ और मस्ती भरा वीडियो आप लोगों के सामने पहुँचाता रहता हूँ। तो चलिए हम घर के अंदर का सीन दिखाते हैं। तो ये रहा मेरा घर और ये रहा केवाड़ी जिसे कहा जाता है और ये रहा प्यारा सा ताला, फिलहाल ये ताला आप लोगों से टूटने वाला नहीं है। तो हम आ गए हैं इस समय दलानी में,
जिसमें पहले हम लोग जब ये शुरुआत में घर बना था 2010 के लगभग में, तो इसमें हम लोग पहले सोया करते थे। और यहाँ पर देख रहे हैं बिजली यहाँ से हमारे सारे घर में यहीं से जाता है बिजली। और यहाँ पर देख रहे हैं गुलदस्ता मैं बनाकर रखा हूँ, बाकी नीचे का जो सामान है वो अलग से खरीदा गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं मेरे कुछ कागज़ रखे गए हैं जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ, यानी कि इसी पर मैं स्क्रिप्ट लिखता रहता हूँ या फिर फ़ोटो कापी कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो फ़ोटो कापी का रद्दी रहता है, तो वही जाकर मैं फ़ोटो स्टेट वालों के पास लाता हूँ, उसे मांग कर फ्री में, और उसी पर मैं बनाता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्यों ये फालतू का जो है कि हम कोई कॉपी खरीदेंगे उस पर स्क्रिप्ट लिखेंगे वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए इससे अच्छा है कि कोई रद्दी ही लाकर उसके पीछे वाले भाग पर हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं बैटरी है जो कि सौर ऊर्जा से चलता है, ऊपर हमारे कपड़े के ऊपर सौर ऊर्जा लगा हुआ है, और लाइट नहीं रहती है तो ये चार्ज होता है और इसी के माध्यम से लाइट की व्यवस्था होती है। यहाँ पर देख रहे हैं अभी स्विच लगाना है, इसे यहाँ पर लगाते हैं तो उधर जलता है, ये जो लाइट देख रहे हैं ये जलता है। और पंखा ये तो गर्मी में काम करता है, इस समय काम नहीं करता, इस समय बंद कर दिए हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं सब मेरे बुक रखे हुए हैं जो मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, उतना टाइम ही नहीं होता। ये मेरा डायरी है जो कि मैं अपना डेली का कुछ ना कुछ मेरे साथ कोई घटना होता है तो मैं इसमें नोट करता हूँ, ये नीचे वाला डायरी, इसे मैं बढ़िया से पैक करके रखा हूँ। और ये भी ये देख रहे हैं मेरा डायरी, इसमें मैं जो है कि गाना लिखता हूँ, जैसे गाने के लिए होता है तो पहले लिख लेता हूँ तब इसमें से देख कर गाता हूँ। और इसमें से ज़रूरी कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। और ये रहा गली मेरे घर के अंदर की, तो चलिए इसके आगे का सीन दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो टंकी का पानी आता है इसमें भी हम लोग भरते हैं ताकि यूज कर सके हम लोग, क्योंकि पानी का यूज बहुत होता है हमारे यहाँ। और ये देख रहे हैं ये है किचन, तो गाइस यहाँ पर देख रहे हैं मैं किचन में आ गया हूँ। किचन में वैसे कुछ खाने लायक तो है नहीं, अभी लगता है सब खत्म हो गया है। खत्म क्या, आज जो सुबह बना हुआ था वो कम ही बना था क्योंकि मैं आज कहीं गया था, इसलिए मेरे हिस्से का नहीं बना है, शायद आप लोग को भी नहीं दे पाऊंगा। अगर खाना चाहते हैं तो आइए मैं खुद बनाता हूँ, जैसे कि मम्मी नहीं रहती है तो मैं बना लेता हूँ, और वही मेरा बाल बिगड़ा हुआ शायद, और मैं वही आपको बनाकर दे दूंगा, चाय नाश्ता जो भी करना चाहते हैं सब मस्ती से खाएंगे पिएंगे, आइए पार्टी करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए शायद इसमें कुछ है, आइए आपको दिखाते हैं। अरे वाह, अभी चावल मेरे हिस्से का बचा हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि मैं अगर नहीं हूँ तो मेरे हिस्से का खाना नहीं बनेगा। यहाँ पर देख रहे हैं चावल है थोड़ा सा, और इसके नीचे है सब्जी जो कि अम्मी बनाई थी, बहुत ही प्यारा और स्वादिष्ट, वाह खाना बनाती है, बहुत ही मस्त लगता है खाने में। और यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं कुछ अचार के और कुछ मसालों के डिब्बे रखे हुए हैं। अब आगे मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो घर दिख रहे हैं इसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भूत भी नहीं है। आइए हम दिखाते हैं, जाकर दिखा देते हैं, जाने में क्या आता है। इसके अंदर आलू रखा हुआ है, मैंने सोचा कर आपको दिखा दूंगा, शायद आलू की बदबू, खैर छोड़िए। और यहाँ पर देख रहे हैं कुठला रखा हुआ है, जैसा कि आपको पता ही ना हो तब बताना पड़ रहा है आप लोगों को, देख भी सकते हैं यार। यहाँ पे एक चारपाई रखा हुआ है जो कि उसका जो बद्दी होता है टूट गया है, यानी कि ये खराब है, वैसे ही रख दिए हैं हम लोग कि अगली बार कभी भी नया बद्दी खरीद कर उसे बनाया जा सकता है। और ये है हमारा बेडरूम जिसमें मैं सोता हूँ, बहुत ही अंदर है और शायद जिंदगी भर मुझे इसी में रहना है अपने परिवार के साथ। और ये देख रहे हैं इसके अंदर बहुत ही उपयोगी चीज़ें, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, और अगर वीडियो लंबा होता है तो पूरा भी वॉच करना होगा, भाई साहब कर लीजिएगा, ये बहुत गरीब आदमी है यार। अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं अपने हर वीडियो में जो है कि पता एड्रेस लिखता रहता हूँ, उस एड्रेस पर आकर मिल भी सकते हैं या फिर हमें बुला भी सकते हैं या फिर गिफ्ट भी भेज सकते हैं, खैर छोड़िए। आपको हम अपने घर के अंदर की चीज़ें दिखाता हूँ, चलिए इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो कि रास्ते में मिल गया, रास्ते में क्या मतलब मेरे घर में किचन में ही मिल गया, वो ये चीज़ है। इसमें हर तरह के मसाले हैं, तेज पत्ता है और
खोल कर दिखाना पड़ेगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं खोलने की। यानी कि हर तरह के मसाले हैं जो कि सब्ज़ी में डाले जाते हैं। तो ये मसालेदारी है और ये मेरा चूल्हा है जिस पर खाना बनता है। बहुत ही प्यारा लगता है मेरा चूल्हा। और ये गैस है लेकिन सब खाली पड़ा हुआ है सिलेंडर, और इसका उपयोग नहीं होता है क्योंकि भाई आप तो जानते ही होंगे कि गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। खैर ये राजनीति मुद्दा हम लोग नहीं बता सकते हैं। आगे हम चलते हैं, आपको घर में दिखाते हैं। ये देखिए लकड़ी का सीढ़ी लगा हुआ है और यहाँ पर एक बोरी नमक रखा हुआ है और यहाँ पर देख रहे हैं ये सीढ़ी के माध्यम से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। ऊपर स्टोर रूम जिसे कहते हैं ना आप लोग हिंदी में, वही है। हमारे भाषा में स्टोर रूम नहीं कहा जाता, इसे कुछ और कहा जाता है। तो वो उस पर यानी कि हर एक चीज़ स्टोर किया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये मेरा बेडरूम है, ये और ये मेरा है चारपाई। और सबसे बेहतरीन चीज़ आपको हम दिखाएंगे जो कि मैं कुछ दिन पहले ही उससे बाई किया था, वो चीज़ है ये गोदरेज का ये फ्रिज है जो कि आपको हम दिखा दें। इसको अपने ही पैसे से मैं बाई किया हूँ, खुल भी नहीं रहा है और यहाँ से खुलता है। ये मेरा फ्रिज भाई साहब, धीरे धीरे हर एक चीज़ का व्यवस्था करना पड़ रहा है। और ये फ्रिज इसलिए लाए हैं क्योंकि रोज़ा में होता है ना, जो रमज़ान का रोज़ा आता है उसमें सब खरीदना जो है कि ठंडे पानी की बहुत आवश्यकता होता है क्योंकि गर्मी में ठंडा पानी जल्दी मिलता नहीं है कहीं नल से या हैंडपम्प से, इसलिए ये लाए हैं कि ठंडा पानी पीकर हम लोग रोज़ा रखेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर कुरान शरीफ रखा हुआ है जो कि तिलावत हम लोग करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तो मैं आपको 3-4 जितना भी हो मैं आपको अपना सारा रूम दिखा दूँ, लेकिन एक रूम अभी बचा है जिसमें मेरे परिवार के सभी सदस्य अलग अलग चारपाई पर सोते हैं, और वो है हम लोग का शयन कक्ष, हिंदी में कहा जाता है उसे शयन कक्ष है। तो वो अभी न्यू बना है, सीट से छाया हुआ है। तो चलिए हम आपको वो दिखा देते हैं बहुत ही आराम से। तो आप हमारे पीछे देखिए ये जो दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाज़ा पहले देख लीजिए कैसा है। ये है आप मेरा मतलब कि बांस का बनाया हुआ है दरवाज़ा, बंद होता तो नहीं है, बस ऐसे ही हम लोग इसको उठंगा देते हैं ताकि हवा न आए बाहर से बस। और आपको हम अंदर चलकर दिखा देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम आ गए हैं अपने शयन कक्ष में। ये है मेरा मेडिसिन यानी कि फर्स्ट मेडिकल जो भी कहा जाता है उसे, हमको इतना मालूम नहीं है। और यहाँ पर है मेरा सेविंग किट रखा हुआ है जो कि मैं सेविंग करता रहता हूँ, या हमारे घर का कोई भी सेविंग करता है तो। और ये है सिलाई मशीन जिसपे कभी कभी सी देता हूँ, कोई फटाफटा कपड़ा रहता है मेरा तो उसे सी का काम चलाते हैं हम लोग। और यहाँ पर देख रहे हैं पंखा है जो कि पापा अपने पैसे से लाए हैं। और ये सूटकेस है जो कि मैं कभी कभी गुजरात या कहीं जाता रहता हूँ तो इसी सूटकेस को लेकर जाना पड़ता है। और एक और चीज़ है वो है ये बैग, कभी कभी इस बैग को भी लेकर जाना पड़ता है। और ये है हम लोग का शयन कक्ष, आप लोग देख सकते हैं। मच्छरदानी भी है ताकि हम लोग मच्छर से बचे रहें, इसलिए मच्छरदानी का भी प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं इस यहाँ पर भी हैंगर है, और यहाँ पर मेरा कुर्ता पैजामा रखा हुआ है जो कि मैं हर जुमा के दिन पढ़ता हूँ या फिर कभी तिलावत करनी पड़ती है कुरान शरीफ को तो पहन लेते हैं, और जुमा के दिन पहन लेते हैं जुमा का अगर नमाज़ पढ़ना हो तो। और यहाँ पर एक मेरा बहुत ही अच्छा घड़ी, इसको लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर देख रहे हैं बिजली भी है भाई, सबसे बड़ी खुशी की बात कि बिजली आ गई है इसलिए ज़्यादा बिजला नहीं करना पड़ रहा है। और ये रहा मेरा आईना जो कि टूटा फूटा हुआ है फिर भी काम चला रहे हैं, क्या करें गरीबी में चलता रहता है, जुगाड़ से काम चलना चाहिए, बस उतने में ही सब कुछ हो जाता है। ये उपदेश शायद किसी ने दिया होगा, हमको मालूम नहीं है। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं जो कि मैं आपको बताया था एक घड़ी के बारे में। तो घड़ी जो मैं बोला था लास्ट में दिखाने के लिए, मैं अभी दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देख लिए यहाँ से मैं द्वार पर भी जा सकता हूँ। द्वार पर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक यहाँ से है और एक उस पार से है जहाँ से मैं प्रवेश किया था, इंटर किया था। और ये रहा ये घड़ी, ये घड़ी है देख लीजिए 2006 के लगभग का ये घड़ी है जो कि अभी भी चलता है। और इस घड़ी की खासियत ये है कि इस घड़ी पर पूरा घुमाकर आयतल कुर्सी लिखा हुआ है,
और इसमें अरबी जो कि अरबी में है, और इसमें जो है कि दो नक्शे बनाए गए हैं मक्का और मदीना का, जो कि मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव यानी काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे बहुत आकर्षित लगता है। तो चलिए, सारा चीज़ तो अपने घर का दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने घर के पीछे का हिस्सा। ये है पीछे का हिस्सा, और यहाँ पर देख रहे हैं फसल भी लगाए हुए हैं, और ये लहसुन लगा हुआ है। काफ़ी लहसुन हमारे यहाँ काफ़ी महंगा मिलता है, इसलिए लगाए हैं हम लोग काफ़ी, ताकि हम लोग को ख़रीदना ना पड़े। और यहाँ पर टमाटर की भी हुई है, मिर्च भी लगा हुआ है, और यहाँ पर देख रहे हैं चुकंदर लगाया हुआ है, जो कि मुझे खाना पड़ता है, कोई खाता है नहीं मेरे घर, सबको अटकता रहता है, इसलिए मुझे खाना पड़ता है चुकंदर। और यहाँ पर देख रहे हैं ये टमाटर लगा हुआ है, तो टमाटर जब पकता है तभी सभी लोग खाते हैं, तो सबको पता है। और यहाँ पर भी एक नाद रखा हुआ है, इसमें भी पानी हम लोग भर देते हैं जब टंकी का पानी चालू होता है, तो ताकि जब भी शौचालय में कोई जाए तो पानी लेकर जाए। आपको पता ही, शौचालय खोलने की ज़रूरत नहीं है, इस समय खोलूँगा तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, आकर्षित लगेगा, इसलिए नहीं दिखा रहा। तो गाइस, ये रहा मेरे घर का सीन, और आज तो मैं सभी सब चीज़ दिखा दिया हूँ आपको। और अगली बार से अगर कोई मेरा घर बनता है या फिर घर बनेगा तो मैं आपको दिखाई दूंगा, तो मतलब कुछ भी अगर होता है तो मैं आपको दिखा दूंगा। और अभी तो फिलहाल हम लोग इसी में जी रहे हैं, इसी में रह रहे हैं, यही है हमारा अमीर खाना यानी गरीब खाना। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का प्यार सदा बना रहे हमारे ऊपर, बस यही आशीर्वाद रहिए आप लोग का।